आज की वीडियो में मैं सारे इन्वर्टर का कंपैरिजन करने वाला हूं, सबसे पावरफुल कौन है। तो ये देखिए इप्रो का है, तो इप्रो में अभी 48% घर का लोड चल रहा है, 889 यूनिट बना चुका है अभी तक ये बिजली, 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और 49 एम्पियर घर का लोड, यानी कि टोटल ये 64 एम्पियर अभी ये निकाल के दे रहा है। देखिए 24 वोल्ट के इन्वर्टर में 50 एम्पियर से ज़्यादा जल्दी कोई नहीं निकालता है, मैक्सिमम कंपनी 50 एम्पियर तक बना के देती है, लेकिन ये 100 एम्पियर का MPPT इसको कंपनी दावा करता है। अभी तक मैंने इसमें 66 एम्पियर तक देखा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अभी देखिए आंखों के सामने 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और 49 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। इस पर मैंने एक हीटर ऑन किया है, रूम हीटर, और मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है हमेशा बंद करके रखता हूँ। सोलर से मेरे घर का सारा लोड चलता है और रात को बैटरी से, ये मेरा हीटर है। ये देखिए हमेशा स्विच गिरा रहता है MCB जो मीटर से जो बिजली का वायर आता है, और ये आपके सामने हीटर मैंने ऑन किया है। ये 2000 वाट का हीटर है, इसमें दो रॉड होते हैं, तो एक रॉड इसका ख़राब हो चुका है, एक ही रॉड चल रहा है। तो इसमें अभी 1000 वाट के आसपास अप्रॉक्स, 1000 कंपनी बोल रहा है तो 1000 लेता नहीं होगा, और बाकी घर का लोड है नॉर्मल। तो इस पर मैं अभी ऑन कर दिया हूँ अपने इन्वर्टर पे, बस ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको अटैच किया है। ये देखिए 2000 वाट इस पर लिखा हुआ है और ये 1000 वाट अभी ये चल रहा है, एक हीटर इसका ऑन है, गर्म हवा ये दे रहा है, आप लोग वॉइस सुन सकते हैं, ये मशीन ऑन है, इसमें जल भी रहा है इंडिकेटर। आपके जो भी करूँगा मैं, अभी तक मैंने कई सारे वीडियो डाला है, A to Z वीडियो, ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मैंने छोड़ा है। मीटर बिजली हमेशा ऑफ रहता है, ये देखिए स्विच ऑन है वायर का, हीटर का, ये इन्वर्टर का मैंने बोर्ड लगा के रखा है इसके साथ। तो मैंने आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ, 52 एम्पियर देखिए इस पे लोड चल रहा है इन्वर्टर पे, और 14 एम्पियर से बैटरी भी चार्ज हो रही है और 52 एम्पियर घर का लोड अपने आंखों के सामने आप देख लें। 52 प्लस 14 ऐड करिए, 66 एम्पियर आपकी आंखों के सामने अभी ये दे रहा है। फरवरी का महीना है और ठंडा अब ख़त्म होने वाला है, गर्मी में और इसका एम्पियर बढ़ेगा। तो अब इसका कंपैरिजन सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर से करेंगे। ये देखिए मार्केट में आशा पावर रोवर लॉन्च करने वाला है, इसके थर्ड नंबर पे देखिए रोवर 3024 वोल्ट 80 एम्पियर। अब कंपनी समझ चुकी है कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको 80 एम्पियर का लाना होगा। ये 2000 वाट तक का लोड चलाएगा, 3000 वाट तक इस पर पैनल लग जाएंगे, 3000 वाट तक के पैनल 24 वोल्ट के इन्वर्टर में 80 एम्पियर इसमें कंपनी निकाल के दे दिया। बहुत जल्दी ये आपके गूगल वगैरह पे चढ़ जाएगा और इसके वेबसाइट पे। तो ये मेरे एक मित्र हैं सूरज नारायण जी, जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है, आशा पावर से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो कंपनी अब अपने आप को अपग्रेड कर रही है, मारता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही रूल करेगा। तो इप्रो ने क्या किया, अपना एक दमदार मॉडल 24 वोल्ट का उतारा जो कि सब पे भारी पड़ गया। अब ये आशा पावर भी अब सेम स्ट्रेटजी पे आ गया है, 80 एम्पियर निकाल दिया, 3000 वाट तक के इस पे पैनल लग जाएंगे। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे 3300 वाट तक के पैनल, 540 वाट के 6 पैनल आप इस पे लगेंगे कि नहीं, 540 वाट 550 वाट के अगर इस पे 6 पैनल लग जाएंगे इस 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। अब इस पे फायदा ये होगा कि आप इस पे दो बैटरी भी चार्ज कर लेंगे और पैरेलल में करके आप 4 बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो आशा पावर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बस अब हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी से कि इसका प्राइस ज़्यादा ना रहे। चीज़ तो दमदार है, सारा खेल देखिए मार्केट में प्राइस का है और क्वालिटी का। तो आशा पावर क्वालिटी देता है, इसके अंदर कॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है। उम्मीद करते हैं आशा पावर से हम लोग यहीं कि इसको 25 से लेके 26-27 हज़ार रुपये तक अगर इसको लॉन्च कर देंगे तो ये सबका मार्केट तबाह कर देगी 24 वोल्ट के इन्वर्टर में, ये रियलिटी है। अगर ये 25-26 हज़ार तक में लॉन्च हुआ तो ये इप्रो को भी बीट कर देगा। रीज़न ये है कि इप्रो के अंदर ट्रांसफार्मर वाला आपका ट्रांसफार्मर जो है वो कॉपर का नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही हाई ग्रेड का अच्छा क्वालिटी का कॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और कंपनी अपना 80 एम्पियर कर चुकी है, तो ये काफ़ी इसको आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते इसका प्राइस कम हो। देखिए इप्रो का प्राइस 17,500 से लेके कहीं 18,000 कहीं 19,000 इस तरह से मिल रहा है। तो आप भी आशा पावर कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसका ज़्यादा प्राइस ना रखें, बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाला है तो 24 वोल्ट में बहुत धाकड़ इन्वर्टर होगा अगर ये आता है सस्ते प्राइस में तो। और आशा पावर की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्योर मेड इन इंडिया है, इप्रो भी मेड इन इंडिया है। देखिए आशा पावर साउथ में चलता है और ये इप्रो पूरा नॉर्थ इंडिया में चलता है और इप्रो कई लोगों को बना के देता है। देखिए मार्केट में ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर का अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है, अब लोग धीरे धीरे ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं। आखिर जा क्यों रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, पावर लॉस है ही नहीं, 95% एफिशिएंसी, 98% एफिशिएंसी, इसीलिए लोग जा रहे हैं। इसी चीज़ को देख के आशा पावर क्या किया है, अपना स्ट्रेटजी बदला और मार्केट में कॉपर ट्रांसफार्मर एकदम A1 ग्रेड का 24 वोल्ट में इन्वर्टर के साथ 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिया। अभी 80 एम्पियर करता क्या है उसका, 80 एम्पियर से आपका क्या होगा आप ऐसे समझे, अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है 25 वाट, 10 एम्पियर में
250 वाट, ऐसे समझें। तो 80 एम्पियर का लगा है मतलब कि 2000 वाट वो इलेक्ट्रिसिटी निकालेगा वो इन्वर्टर। 2000 वाट क्या सोलर पैनल से, अगर 3000 वाट का सोलर पैनल लगा है तो 2000 वाट निकालेगा, जिसमें कि आप चार बैटरी भी चार्ज कर लेंगे, एसी भी चला लेंगे। तो ये सब देखिए मेड इन चाइना है, मैं तो बुराई नहीं करूँगा, जिसको लगवाना है वो लगवाए, लेकिन ये रियलिटी है, फैक्ट है, ये सब चाइना से आता है। और ये सब आशा पावर जो है, इप्रो है, मेड इन इंडिया है, यूटीएल है, मेड इन इंडिया है। तो ये सब जब तक इंडिया के अंदर नहीं बनने लगता है धीरे धीरे सब कुछ, आने वाले 5 से 10 साल में ये सब जो ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर हैं, इसकी टेक्नोलॉजी IITians या कोई भी अलग अलग लोग ढूंढ निकालेंगे। हालांकि इस पर माइक्रोवेव नागल के अरविंद सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर बाहर से वो भी मंगा रहे हैं, लेकिन वो सर्विस अच्छी देंगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसकी इंडिया में अगर सब कुछ होने लगा ना, बनने लगे, सर्विस होने लगे, कंपनी वारंटी देने लगे। वारंटी से याद आया कि इप्रो का वारंटी रहता है 2 साल से 2.5 साल का, लेकिन हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी लेके उसको 5 साल तक कर सकते हैं, 3 साल का 2 साल का कंपनी में बात करके एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि UTL में भी शायद ये फैसिलिटी हो, आशा पावर में भी शायद ये फैसिलिटी जरूर होगा। तो ये ट्रांसफार्मरलेस जितने भी मार्केट में इन्वर्टर हैं 24 वोल्ट की, इसकी लड़ाई सीधे अब आशा पावर रोवर जो 324 मॉडल आया है, जिसमें कि 80 एम्पियर तक सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है और 3000 वाट तक के पैनल सपोर्ट, इससे होगी। तो आशा पावर कहीं ना कहीं विनर साबित होगा, क्योंकि इसकी 10 से 20 साल की लाइफ रहेगी। UTL गामा प्लस 3350 जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट इसमें सिर्फ 2200 वाट तक का सोलर पैनल सपोर्ट दिया है, जो इसके सारे अच्छाइयों को कम कर देती है। इसीलिए मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें 3300 वाट तक के पैनल सपोर्ट दें और 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएं, ताकि ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर चाइना से इंडिया में ना रूल करे। देखिए मेरा जो सोलर पैनल का स्टैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन से फिक्स है रूफ से, और साउथ डायरेक्शन से अप एंड डाउन शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से मैंने स्टैंड बनाया, इसका वीडियो मैंने डाला है बहुत पहले, तो आप देख सकते हैं सोलर पैनल का स्टैंड खुद से कैसे तैयार कराएं। और ये जो सोलर पैनल है मार्केट में, अब सबको पता हो चुका है कि 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, 21 रुपये, 19 रुपये, इस तरह से सोलर पैनल के प्राइस चल रहे हैं, GST वगैरह सब कुछ जोड़ के। तो सोलर पैनल लेने में ठगा है ना। और एक चीज़, मैंने तो आपको पॉली पैनल लगा लिया, लेकिन आप कोशिश करें कि अब जब भी पैनल लें बाईफेसियल पैनल लें। रीज़न ये है कि बाईफेसियल पैनल में दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो क्या होगा कि 15 साल जब सन के डायरेक्शन से उस पर सनलाइट पड़ेगा एक साइड से, तो एक साइड से एनर्जी बनेगा, लेकिन जब दूसरे साइड से हम लोग पलट देंगे 15 साल बाद, तो उस साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे बाईफेसियल पैनल की लाइफ 30 साल से 35 साल तक होगी। तो ये देखिए मेरे 8 पैनल लगे हैं 330 से 325 वाट के, 2 पैनल वारी के, 6 पैनल एक साइड के मैंने लगा के रखे हैं। और मार्केट में अब आप कभी भी सोलर पैनल लें तो हमेशा दिमाग में बैठा के चले कि 24 रुपये से बेसिक किसी पैनल का प्राइस नहीं चल रहा है, और बाईफेसियल 520, 530, 540, 45, 550 वाट का पैनल का 21 रुपये, 22 रुपये मैक्सिमम प्राइस चल रहा है GST वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद। आपको कोई अगर सोच रहा है कि महंगा दे दें, आपको लग रहा है कि हम ठगा रहे हैं, तो आप वारी के वेबसाइट से मंगा लें। हालांकि ये जो मेरा 2 पैनल है वारी का, जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था अभी, वो मैंने मंगाया था वारी के वेबसाइट से, GST वगैरह सब कुछ जोड़ के मुझे 22-23 रुपये पर वाट पड़ा था। तो ऊपर ये देखिए अपने मेरे नॉर्मल इन्वर्टर का, ऊपर मैंने 3 पैनल अभी आपको दिखाया कि किस तरह मैं उस पर लगा के रखा हूँ। तो अपने नॉर्मल घर के इन्वर्टर को आप सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और आप PWM भी लगा सकते हैं सिस्टम, चाहे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी ले सकते हैं, PWM आपको सस्ता पड़ेगा 1000 से 2000 में। तो ये देखिए मेरा जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर था उसका ये पैनल है ऊपर, ये दिख रहा होगा, इस पर मैंने 650 वाट के पैनल लगाए हैं। और आप ट्यूबलर बैटरी में ल्यूमिनस की या UTL की अच्छी ब्रांड का सोलर बैटरी ही लें, क्योंकि इस पर टैक्स कम लगता है, एफिशिएंसी अच्छी होती है। एक और चीज़, ट्यूबलर बैटरी पर ज़्यादा लोड चलाएंगे पावर लॉस करेगा, ट्यूबलर बैटरी पर लोड कम चलाएंगे पावर लॉस कम करता है। तो 1000 वाट ये रखता है करीब, 150 Ah की बैटरी। और 12 वोल्ट का इन्वर्टर ना लें, कोशिश करें जब भी इन्वर्टर लेना होगा 24 वोल्ट का इन्वर्टर लें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सोच के, बहुत सोच के कह रहा हूँ, अभी इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल की पॉलिसी आने वाली है बिजली बिल का, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेंगे, 2 बैटरी जोड़ देंगे 200 Ah की, तो रात भर आपका देखिए ये सब चीज़ें चलेंगी। अब BLDC फ़ैन, नॉर्मल फ़ैन से BLDC फ़ैन में चले जाएं, नॉर्मल फ़ैन को हटा के BLDC फ़ैन लगा दे, देखिए 26 वाट का 2000 के बजाज का है, 2 साल की वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी लेके 4 साल कर लेंगे, 28 वाट में क्रम्पटन का 5 साल की वारंटी है। अब इस फोटो को देखें समझें, अगर आप 3 पंखे लगा देते हैं, 26 वाट के 3 पंखे लगाएंगे, मैक्सिमम 80 वाट लेगा, 7 LED बल्ब लगा देंगे 6-6 वाट के तो 42 वाट लेगा, टीवी मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग में 50 वाट एक्स्ट्रा रख दें, 5-star फ्रिज जो है 75 वाट एवरेज कर दें, क्योंकि कभी कंप्रेसर बनाता है कभी छोड़ता है, तो एवरेज करेंगे 75 वाट, लेकिन 2024 का ही मॉडल लें। मैक्सिमम आपके घर का 300 वाट लोड होना चाहिए, 1 घंटे में 300 वाट अगर आपका इन्वर्टर से कंज्यूम हो रहा है, तो 10 घंटे का 3000 वाट, यानी कि 15 घंटे का
4500 वाट। तो अब चार बैटरी अगर 200 AH की लगा देते हैं सोलर बैटरी और ईप्रो का इन्वर्टर चाहिए आशा पावर वाला, तो आप मान के चले कि आपका फुल नाइट चल जाएगा सारा लोड। यही आपको लोड से समझना है, मैक्सिमम अपने घर का लोड 300 वाट तक ले जाएं। आप अपने ये सोचें कि घर के लोड को कम कैसे करना है। मोदी जी तैयारी कर रहे हैं बिजली का बिल डबल करने की, और ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा। कैसे? अभी पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड बिजली का बिल दिया जाता है जो पर यूनिट के हिसाब से चलता है, लेट्स से 8 रुपए पर यूनिट। अब आपने अगर 150 यूनिट यूज की तो 150 × 8 प्लस जो भी नेसेसरी टैक्सेस है। नए सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 ब्रैकेट्स बनाए जाएंगे, 8 घंटे दिन के, नाइट के नॉर्मल घंटे और नाइट के पीक आवर्स। दिन में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी और रात में महंगी, और रात के पीक आवर्स में और भी ज्यादा महंगी। ये नया सिस्टम 2025 के बाद लागू किया जाएगा। कमेंट्स में बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे, YouTube पे आपको मिल जाएगा और कई सारा न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल पॉलिसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है। अब अपने नॉर्मल जो घर में इन्वर्टर लगा है उसको सोलर इन्वर्टर कैसे कनेक्ट करें, देखिए 225 वाट का आप चार पैनल ले लें, चाहे आप 450 वाट का भी दो पैनल लेके आशा पावर का रोवर, जो आशा पावर का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है नोवा करके, तो उस पर 12 वोल्ट के इन्वर्टर में करीब लग जाते हैं 900 वाट तक के पैनल, वो भी ले सकते हैं। या सोलर चार्ज कंट्रोलर 50 से 60 एम्पीयर का 1500 से 2000 रुपये का पड़ेगा, ये ले लें अपने इन्वर्टर ले लें, उस पर आप सीधे बैटरी जोड़ दें। आप नॉर्मल बैटरी भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सोलर बैटरी ही चाहिए, आप अपने नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर पे भी ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 1000-2000 का खरीद के इस पे आप करीब 225 वाट के दो पैनल लगा सकते हैं आराम से। लेकिन आप कोशिश करें कि MPPT लें, तो ये PWM का है। देखिए कनेक्शन कैसे करना है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है। आपको करना क्या है कि अगर PWM का अगर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ले रहे हैं तो अपने सोलर पैनल का सारा कनेक्शन पैरेलल होगा, और यहीं अगर आप MPPT ले रहे हैं तो आप 12 वोल्ट का अगर पैनल है तो उसको सीरीज में कर सकते हैं। तो अपने आंखों के सामने ये देख लें। अब जो सरकार की पॉलिसी आ जाएगी 25/26/2028-2029, तो उस पॉलिसी में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बढ़ चढ़ के आएगा। तो हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जिसपे सारा घर का लोड सोलर पे चले। तो रात को आप अपने घर का लोड बैटरी पे चलाएं, दिन में सोलर से, मैं यही करता हूँ, जिससे मेरा बिजली बिल जो 7000, 8000, 10000, कभी 73000 तीन महीने का आ गया था, तो मैं हमेशा लाइन काट के रखता हूँ, सिर्फ गर्मियों में एक्स्ट्रा AC चलाने के लिए मैं ये रखा हूँ सिस्टम। बाकी नहीं तो घर का सारा लोड AC भी मेरा सोलर इन्वर्टर पे ही चलता है। आप देखे होंगे बैटरी भी चार्ज हो जाती है, 2 बैटरी का इन्वर्टर था मेरे पास, मैंने उस पर 4 बैटरी सीरीज पैरेलल करके लगा दिया था। तो आपने अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपके भले के लिए बनाता हूँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे देश के लोगों को दिक्कत ना हो, ये एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानव धर्म है कि लोगों की दूसरों इंसान ही इंसान के काम आए ताकि देश का भला हो। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो देख के आपने नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर पर बदलें।